please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है और नो योर कंपनी में आज फिर हमारे रडार पर बेहद इंटरेस्टिंग कंपनीज लाइंड अप। सबसे पहले तो हम सब जानना चाहते हैं ये कंपनी मिधानी है क्या, जिसे हम मिश्र धातु निगम के नाम से जानते हैं, जिसका आईपीओ आज से प्राइमरी मार्केट में खुला है। क्या करती है, क्या धंधा है, कैसे फाइनेंशियल्स हैं, आउटलुक कैसा है, क्या खासियत है, समझेंगे इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश लेखी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे आज, तो उनसे होगी डिटेल में चर्चा। और साथ साथ आज एसएमई कॉर्नर का दिन है, आज तो वेनसडे है, तो आज 1:40 के आसपास महेश्वरी लॉजिस्टिक्स नाम की कंपनी जो कि एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है आपकी स्क्रीन पर, बुधवार की दोपहर मजबूती के साथ कामकाज। हाँ, ऊपरी स्तर से ठंडे जरूर पड़े हैं, लेकिन हाँ 10-200 के नीचे, 10-188 के लेवल, फिर भी 2/3 से 3/4% के उछाल के साथ हो रहा है इस समय तक कामकाज। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव अक्रॉस सेक्टोरल पॉकेट्स, अक्रॉस बेंचमार्क्स, हर निशान के साथ कामकाज, तो स्क्रीन कुछ बेहतर। लेकिन चलिए, आज एक इंटरेस्टिंग कंपनी है तो सीधे बातचीत करते हैं उसकी, मिधानी यानी कि मिश्र धातु निगम। इस कंपनी के सीएमडी मिस्टर डॉक्टर दिनेश लेखी साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। लेखी साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपको और कांग्रेचुलेशन प्राइमरी मार्केट्स पे डेब्यू करने के लिए। क्विकली पहले तो इस आईपीओ की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आनी चाहिए। आज खुला, फ्राइडे तक खुला रहेगा यानी कि 23 मार्च तक। 87 से 90 रुपीज का प्राइस बैंड है, जिसपे रिटेल और इस कंपनी के कर्मचारियों के लिए जो भी ऑफर प्राइस होगा उस पर 3 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। कुल मिलाकर ही सरकार का ओएफएस है ये भी, वो कंपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, जिसमें भारत डायनेमिक्स आया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आया था, अभी मिधानी तीसरी कंपनी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। सरकार अपना स्टेक बेच रही है, 423 से 438 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, 150 शेयरों का लॉट साइज। अच्छा लेखी साहब, पहले तो ये मैं पढ़ रहा था मिनी रत्ना कंपनी है और इंटरेस्टिंग बिजनेस है, एक प्योर प्ले कमोडिटी कंपनी नहीं है, स्पेशल स्टील, सुपर अलॉयज, टाइटेनियम अलॉयज वगैरह बनाने का काम, तो एक वैल्यू एडेड प्ले है शायद। पहले तो हम सबको समझाएं ये मिधानी दरअसल या मिश्र धातु निगम दरअसल करती क्या है। सी, मिश्र धातु जैसा कि नाम है, ये हिंदी का एक ऐसा नाम है कि जहां दो या दो से ज्यादा मेटल जोड़कर एक नया मिश्र बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। इस तरह के अलॉयज वॉल्यूम में कम होते हैं बट कस्टमर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में बहुत सहयोग देते हैं। जैसे कि डिफेंस के अंदर, मिसाइल के अंदर ये मटेरियल यूज होता है, स्पेस लॉन्चेज में ये मटेरियल यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में ये मटेरियल यूज होता है। तो ये हम लोग तीन तरह के अलॉयज बनाते हैं, स्टील अलॉय जिसके अंदर स्टील में अलॉइंग एलिमेंट डाले जाते हैं, दूसरा होता है टाइटेनियम अलॉय जिसके अंदर टाइटेनियम के अंदर अलॉइंग एलिमेंट डाले जाते हैं, तीसरा होता है सुपर अलॉय जिसके अंदर या तो निकिल में अलॉइंग एलिमेंट डाले जाते हैं या कोबाल्ट में डाले जाते हैं या आयरन में डाले जाते हैं। इस तरह के अलॉयज हाई टेम्परेचर पे अच्छा काम करते हैं, कोरोजिव एनवायरमेंट में अच्छा काम करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सो ये मार्केट बहुत छोटी होती है पर बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की होती है। अच्छा हाँ, इंटरेस्टिंग, आप जो कह रहे थे डिफेंस स्पेस में, देख रहा था आपके जो FY17 के रेवेन्यूज आते हैं डिफेंस से 71% कुल आय का और स्पेस से बचा हुआ 22-23% के आसपास वो कंट्रीब्यूट करता है। और ये दोनों जो सेक्टर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये स्ट्रैटेजिक सेक्टर के तौर पर ट्रीट करे जाते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कोई सेपरेट रेगुलेशंस हैं जो गवर्न करती हैं इन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को, और कोई भी सरकार की तरफ से एवर्स पॉलिसी डिसीजन आपकी कंपनी आपके सेक्टर के लिए हानिकारक हो सकता है, कैसा कुछ होता है, क्या दिक्कत वाली बात है क्या वो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट? नहीं, देखिए जब तक हम लोग स्पेस में हमारे प्रोग्राम सक्सेसफुली लॉन्च हो रहे हैं और आगे भी ग्रोथ के आसार हैं तो कोई रेगुलेशन नहीं है। उनको मटेरियल चाहिए और हम क्योंकि उसके मटेरियल सप्लायर हैं, प्रूवन सप्लायर हैं, तो हम पे लेंगे तो उसका कोई असर नहीं आएगा। डिफेंस में जो मिसाइल्स के प्रोग्राम चल रहे हैं और मिसाइल की बनाई जा रही हैं उसका जो मटेरियल चाहिए वो भी हम दे पा रहे हैं, बट हम इसको कंसंट्रेशन को अवॉइड करने के लिए अभी एक दो सेक्टर और डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि ऑयल एंड गैस में भी हमारा कुछ मटेरियल चाहिए तो हम उसको डेवलप कर रहे हैं, रेलवे में कुछ स्प्रिंग वगैरह मटेरियल चाहिए उसको भी डेवलप कर रहे हैं,
तो कंसंट्रेशन हमारे सेक्टर की है बिकॉज उसमें ग्रोथ है और ग्रोथ विजिबल है, बट दूसरे सेक्टर को भी हम ध्यान दे रहे हैं। मिनरल एंड मेटल में भी थोड़ा सा अब सप्लाई करना शुरू किया है, तो धीरे एक्सपोर्ट में भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, तो इस साल से हम थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके आरएचपी में मेंशन्ड है 31 जनवरी तक आपकी ऑर्डर बुक थी 517 करोड़ रुपए की। FY17 के रेवेन्यूज आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे, वो बार चार्ट 810 करोड़ रुपए के FY17 में रेवेन्यूज थे। तो अगर मैं ग्रोथ को डॉक्टर साहब फैक्टर इन कर लूं तो शायद सिर्फ महज 6 महीने की विजिबिलिटी ऑर्डर बुक के लिहाज से मुझे नजर आती है। क्या ये इंडस्ट्री ऐसे ही रन करती है या फिर एक चिंता की बात? नहीं, 520 करोड़ का ऑर्डर उस तारीख को है, बट कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं जो हमें ही मिलते हैं और हमें पता है कि ऑलरेडी वो अप्रूवल प्रोसेस में है, और इस तरह के 250-300 करोड़ के ऑर्डर जो हैं बहुत एडवांस स्टेज में हैं, वो इस महीने में या अगले महीने में या 2 महीने में आ जाते हैं। तो पूरे साल जो कि हमारा 900 करोड़ का प्लान है उस पर, उसको अंदर में ये ऑर्डर आ जाएंगे। और अब हम लोग एक और चीज़ करते हैं कि पहले से ही जिसको हमें ऑर्डर आने का होता है उसका मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, उसको बनाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज ऑर्डर हम ही को मिलना है, तो इसलिए हमको लीड टाइम जो पहले 30 महीने होता था हमने उसको 10 महीने तक कर दिया है। अच्छा, जहाँ तक आपकी फैसिलिटीज़ की बात है, मैं पढ़ रहा था अभी इकलौती फैसिलिटी आपके पास मैन्युफैक्चरिंग की है वो हैदराबाद में, पर आरएचपी में मेंशन है कि 2 नए प्लांट्स पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक तो रोहतक में दूसरा नेल्लोर में। ये जो प्लांट्स पे काम चल रहा है कब तक स्केड्यूल्ड है कि इनसे काम ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, कमिश्निंग होती हुई नजर आएगी? और मुझे समझाएं ये प्रोडक्ट्स क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, क्या कोई प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन होने वाला है या जो आप ऑलरेडी प्रोड्यूस करते थे उसी की कैपेसिटीज ऑगर करने की, कैपेसिटीज बढ़ाने की योजना है? हम लोग जो 2 नई फैसिलिटी लगा रहे हैं वो प्रोडक्ट के डाइवर्सिफिकेशन है, नए रेवेन्यू स्ट्रीम है। एक आर्मरी का कनम हम काम करना चाह रहे हैं और हमने ऑलरेडी कुछ डेवलप कर लिया है प्रोडक्ट। एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से एक हमने भाभा कवच की टेक्नोलॉजी ली है, जिसमें एक लाइट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है, व्हीकल आर्मर करके हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस को दी है, तो उसके अंदर आर्मरी का काम किया जाएगा। FY19 के एंड तक ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लैंड को ऑलरेडी ले लिया है, इक्विपमेंट को ऑर्डर कर दिया गया FY19 से। तो अज्यूम करो FY19 ऑनवर्ड्स ये रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये जो आईपीओ आ रहा है, ये जो प्राइमरी मार्केट ऑफरिंग है, ये तो सरकार का विनिवेश है, पूरा पैसा सरकार के पास जाने वाला है। आप साथ साथ 2 प्लांट्स भी खड़े कर रहे हैं, तो मुझे बैलेंस शीट का हाल बताएं सर, कितना डेट है, कितने कैश पे आप बैठे हुए हैं? देखिए, ये 0 डेट कंपनी है, ये कैश जो अभी आएगा शेयर से ये तो गवर्नमेंट को जाएगा। हमारा मोटा मोटी प्लान ये है कि 125 से करोड़ के आसपास हम पर वर्ष खर्च करेंगे कैपेक्स में। वो या तो हमारे इंटरनल जो फंड है उनसे बनाएंगे, जो हमारे पे कैश और इंटरनल फंड है, या अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा कंपनी को लिवरेज करेंगे, बिकॉज करंटली हमने कोई भी लॉन्ग टर्म डेट नहीं लिया हुआ है। अच्छा, आप लोग की स्क्रीन पे बार ग्राफ्स आते हुए डॉक्टर साहब, मैं देख रहा था आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अब मीडियोकर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने जो 5 साल के आपने आरएचपी पे डिटेल्स मेंशन करी हैं, मैं उनका सीएजीआर निकाल रहा था, 9.5% टॉप लाइन में और महज 8% साल दर साल की ग्रोथ बॉटम लाइन में। क्यों इतना ठंडा परफॉर्मेंस, और क्या ऐसे ही परफॉर्मेंस में अब लिस्टिंग के बाद भी एक्सपेक्ट करूं इस कंपनी से? नहीं, अभी देखिए, जो पिछली बार 9% टॉप लाइन की रही है और बॉटम लाइन भी उसी आसपास रही है, उसको आगे बढ़ने की है, उसके 2 कारण हैं। एक तो हमने कुछ कुछ चीज़ें अंदर में भी हैदराबाद में भी मॉडर्नाइज़ की हैं, और हमने कुछ कॉस्ट रिडक्शन के मेजर्स लिए हैं, हमने फर्नेस को मॉडर्नाइज़ किया है। अच्छा। तो हमको लगता है कि एक तो हमारे कॉस्ट रिड्यूस होंगी और हमारे जो एम्प्लॉय की कॉस्ट है वो कॉन्स्टेंट रहेगी, बिकॉज हमने दे दिया है ऑलरेडी पे रिविजन, तो FY17 से लेके FY27 तक पे रिविजन वही रहेगा। तो हमको ये लगता है कि कॉस्ट रिडक्शन जो हम कर रहे हैं, जो हमने मॉडर्नाइज किया है, ये जो टॉप एटलीस्ट द बॉटम लाइन जो है और बेटर होने के चांस हैं। और टॉप लाइन में भी हमने क्योंकि नए प्रोडक्ट डेवलप किए हैं और नए प्रोडक्ट हमने डाइवर्सिफाई भी किए हैं और वैल्यू एडिशन करके सम फास्टनेस बना रहे हैं हम लोग, तो हमको लगता है कि ये बेहतर होगी, ना कि उस रेट। अच्छा, ये बात, एक बात नोटवर्दी फाइनेंशियल में थी कि डिस्पाइट आप एक कमोडिटी प्ले हैं, आपके मार्जिन बड़े स्ट्रांग हैं, ईबीटा मार्जिन 25% के आसपास खड़े हुए हैं, तो क्या ये जो नीच प्रोडक्ट आप डेवलप करते हैं उसके चलते हेल्दी मार्जिन कमांड कर रहे हैं? देखिए, जहां तक स्टील की हम अगर बात करें, जो सामान्य कार्बन स्टील होती है
वो कमोडिटी मार्केट होती है। पहली बात तो हमारे कोई भी अलॉय कमोडिटी मार्केट नहीं होते, वो ये कस्टमाइज होते हैं, इनके पूरा जो परफॉर्मेंस है कस्टमर के हिसाब से बनता है। दूसरा ये है कि ये जो है इतनी डिमांड सप्लाई है ही नहीं, तो इसलिए इसके प्राइस जो है हमेशा अच्छे रहते हैं और मार्जिन हमेशा अच्छे रहते तो हैं। ऐसे में ये कभी तो क्या मैं मान के चलूं, अज्यूम करके चलूं कि ये मार्जिन्स 25% के आसपास जो एक्स्ट्रा नॉर्मल नजर आते हैं सेक्टर के मार्जिन्स के लिहाज से, ये दे गोना स्टे द सेम? मैं एक्सपेक्ट करूं मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, है ना? जी जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये तो पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था, जो इस फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाई थी सर, उसमें अचानक परफॉर्मेंस बेहद कमजोर देखने को मिला है। और शायद मैं पढ़ रहा था आरएचपी में कि एक मेंटेनेंस शटडाउन आपको लेना पड़ा था, कितने ड्यूरेशन का ये शटडाउन था, क्या आप सिचुएशन अभी करंट सिचुएशन क्या है, और क्या ये मेंटेनेंस शटडाउन ही रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरह से इस ठंडे परफॉर्मेंस के लिए, या आपका भी बिजनेस सीजनल है, सेकेंड हाफ में ट्रैक्शन मोमेंटम ज्यादा गेन करता है परफॉर्मेंस? नहीं, ऐसा नहीं है। साधारणतः ये पाया गया है कि सेकंड हाफ थोड़ा बेहतर होता है फर्स्ट हाफ से, बट इतना असर नहीं आता है। कारण ये था कि एक हमारी 30 साल पुरानी एक फोर्जिंग प्रेस थी, उसको अभी बार बार उसका इक्विपमेंट ब्रेकडाउन हो जाता था, जिससे हमारा परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा था। तो ये टेक्निकल डिसीजन लिया गया कि इसको डाउन करके जर्मन के सहयोग से, जर्मन कंपनी है फांके, उनके सहयोग से इसको फिर से अपग्रेड किया जाए और मॉडर्नाइज किया जाए। ये पहले करीब जून के महीने में ली गई थी, अभी ये वापस आ रही है, मार्च में इसका स्टार्ट होगा और अप्रैल में इसके प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे जो असर पड़ा पहले हाफ में, सेकेंड हाफ में हमने अपनी एक दूसरी प्रेस है 6000 टन, उससे कुछ मेकअप करने की कोशिश की है। तो पूरा साल जो है FY17 FY18 थोड़ा सा आसपास होगा, ग्रोथ तो नहीं आएगी, 4-5% इधर उधर होगा। तो FY18 थोड़ा पेनफुल रहेगा, FY19 से ग्रोथ मिश्र धातु निगम की वापस पटरी पर आती हुई नजर आएगी, जो एक मेंटेनेंस शटडाउन था उसके चलते ये इमीडिएट इंपैक्ट। चलिए डॉक्टर दिनेश लेखी साहब, धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए डिटेल में इस कंपनी के बारे में हमें समझाने के लिए। तो एक यूनिक स्टोरी, स्ट्रांग फंडामेंटल्स, लेकिन कुछ इश्यूज सामने हैं। एक तो वीक ऑर्डर बुक है, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा था, H1 इस छमाई का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमजोर है, और सरकारी कंपनी है जिनके रिस्पांस ऑफलेट बाजार में बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं रहे, तो उस लिहाज से कॉशन। लेकिन इस प्राइस बैंड पे ₹3 का डिस्काउंट भी दे रखा है, एक्सपर्ट्स की कॉल लगातार चल रही थी, तमाम ब्रोकरेजेस की हाउस व्यूज आए थे। लेकिन चलिए, और अब SME पर हमारी खास पेशकश SME कॉर्नर। और SME कॉर्नर में आज हमारे रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी है। इस कंपनी का नाम है महेश्वरी लॉजिस्टिक्स, और इस कंपनी के CEO मिस्टर नीरज महेश्वरी साहब मेरे साथ स्टूडियो में अब जुड़ चुके हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका। NSE के इमर्ज SME प्लेटफॉर्म पे जनवरी 2017 में कंपनी लिस्ट हुई थी, 68 रुपीज का इशू प्राइस था, और इसने 215 के हाइस छुए थे, यानी कि इशू प्राइस से 215% का रिटर्न कमा के दिया, और अभी भी आपकी स्क्रीन पे भाव आएगा 180 के लेवल्स के आसपास, तो मोटा पैसा कमाया है। जब IPO आया था तब मैं पढ़ रहा था, बड़ा तगड़ा रिस्पांस गार्नर करा था इस कंपनी ने, तगड़ा सब्सक्रिप्शन था और अच्छा पैसा बनाते हुए। तो महेश्वरी साहब, पहले तो थैंक यू तमाम इन्वेस्टर्स की तरफ से, अच्छा पैसा बना के दिया आपने तमाम इन्वेस्टर्स को। पहले तो समझा ये कंपनी करती क्या है, लॉजिस्टिक, महेश्वरी लॉजिस्टिक्स, तो नाम में तो लॉजिस्टिक्स है ही है, साथ साथ में पढ़ रहा था पेपर मैन्युफैक्चरिंग का भी धंधा, तो दरअसल धंधा है क्या और क्या मिक्स है धंधे का? धंधे के अंदर में लॉजिस्टिक बिजनेस पे ही मेन फोकस है। हाँ। और जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है कंपनी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कोशिश करती है। तो लॉजिस्टिक में हम लूज और बल्क कार्गो के में डील करते हैं, हम कोल, सीमेंट एंड द फर्टिलाइजर्स, उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, और कोल के साथ साथ में ट्रेडिंग भी है, तो प्रोक्योरमेंट भी कर करके हम देते हैं। साथ में ट्रेडिंग, पेपर की ट्रेडिंग ऑलरेडी स्टार्टेड थी, एक अपॉर्चुनिटी मिली मैन्युफैक्चरिंग की, तो क्राफ्ट पेपर मैन्युफैक्चरिंग, जैसा आपको मालूम ही है कि आज के डेट में पैकेजिंग की डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो हम लोग क्राफ्ट पेपर मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। तो कोयले का ट्रांसपोर्टेशन, सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन, फर्टिलाइजर का ट्रांसपोर्टेशन, आसान शब्दों में आपने कहा, साथ साथ प्रोक्योरमेंट भी करके देते हैं कई क्लाइंट्स को, तो मतलब उनके बेसिस पर आप उनके लिए प्रोक्योर भी करते हैं, उनको माल पहुंचा भी देते हैं उनकी यूनिट पर, उनकी फैक्ट्री तक। यस सर, ये आपका धंधा। यस सर। तो आपने कहा साथ में ट्रेडिंग भी है, साथ में पेपर मैन्युफैक्चरिंग भी है, तो ये मिक्स क्या है इनका रेवेन्यूज का? मिक्स मोस्टली ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 40% ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री का, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का वो है,
30% ट्रेडिंग है और 30% मैन्युफैक्चरिंग है। ये समझ में नहीं आया, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां घुस जाते हैं। अपॉर्चुनिटी आपको 2015 में पेपर में इतनी इंटरेस्टिंग नजर आई कि आप मैन्युफैक्चरिंग में उतर गए, ये तो बड़ा अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का डाला आपने, क्यों करा ऐसा और क्या फायदा? अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन मैन पावर भी थी और मैन पावर को यूटिलाइजेशन करते हुए फंड्स का प्रॉपर वे में यूटिलाइज करके अगर पैसा काफी मोटा बना रहे हैं तो उसको लगाने की जगह ढूंढ रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा आप ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर लॉजिस्टिक में पैसा कमाने को मिल रहा है तो इन्वेस्टर्स भी खुश ही रहेंगे, वो भी कमाएंगे ही। अच्छा, ये जो GST आया उसके बाद कहा जाता है लॉजिस्टिक सेक्टर को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, कुछ इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड देखने को मिल रहा है? अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज, आप तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग करते होंगे, अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज की शिफ्ट का कोई फायदा हो रहा है या ऐसा कुछ हो नहीं रहा मार्केट प्लेस? नहीं, डेफिनेटली हो रहा है, जीएसटी आने के बाद से धंधा बढ़ गया आपका? क्या धंधा भी थोड़ा सा अभी तो धंधा बढ़ने का काम नहीं हो पा रहा है, बिगड़ा हुआ है, पूरा मूड बिगड़ा हुआ है, बट स्टिल जीएसटी से कंप्लायंस पार्ट काफी अच्छे हुए हैं, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर आने के लिए लोग इनकरेज हो रहे हैं और वो आगे आकर के उसका फर्क दिखेगा। तो मूड बिगड़ा हुआ जो आप कह रहे हैं, तो बेसिकली अभी हालात ऑन ग्राउंड सिचुएशन अभी भी कमजोर है ये कह रहे हो आप, और इवेंचुअली आपको लगता है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट होगा तो उसका भी आपको फायदा मिलना है? yes. ये ट्रिगर पॉइंट्स होंगे इस कंपनी के लिए आज से? yes. है ना। अच्छा, इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल्स में इस कंपनी के मैं देख रहा था, पहली छमाई में EBITDA मार्जिन आपके 30 basis points इंप्रूव हुए, पिछले कई सालों का परफॉर्मेंस मेरी रिसर्च टीम ने कैलकुलेट करके दिया है मुझे कि सालाना बिक्री 18% से बढ़ रही है अंदाजन पिछले 4-5 सालों से, और मुनाफे में 47% का उछाल आ रहा है, ये CAGR ग्रोथ है आपकी कंपनी की। yes. तो ये प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट कहां से, क्या रियलाइजेशन भाव जो कमांड करते हैं वो इंप्रूव हो रहा है या जो बिजनेस मिक्स बदल रहा है उसका फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है? इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 चीजें वेरी करती हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में देखते हैं तो जैसे ट्रक्स हम लेते हैं तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन ज्यादा रहता है। कितने? 100K अप्रोक्सीमेटली खुद के खरीदे हुए? यस, ऑल पेड फॉर। ऑल पेड फॉर, तो उसके अंदर में वो थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, डेप्रिसिएशन आने वाले टाइम में कम होता जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ता है। फिर जब हम शुरुआत करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे एक्सपेंसेस को रिड्यूस हो जाते हैं और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते जाते हैं, और मार्जिन अपन हमारी कोशिश यही है कि 15 से 20% की ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स रहे। तो नहीं, अच्छा, स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा, फाइनेंशियल्स अच्छे, पर हर चीज़ भाव पे अच्छी लगती है ना। आपका 180 रुपये पे स्टॉक चल रहा है जो IPO आया था 60-61 के आसपास, मुझे FY18 FY19 के अपने प्रोजेक्शन समझाएं, किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट करूं? FY18 और 19 की अगर आप ग्रोथ की बात करेंगे तो 18-19 में जैसे हमारा अगर पेपर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो हमने एक बिजनेस को और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हम गए और वेस्ट पेपर के बिजनेस को भी हमने अडॉप्ट किया, तो उससे हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी और हम रॉ वेस्ट पेपर दूसरी भी इंडस्ट्री को सप्लाई कर पाएंगे। तो ये जो 18-20% की ग्रोथ है एटलीस्ट मान के चलूं सस्टेनेबल? ये सस्टेनेबल है और मार्जिन्स भी प्रॉफिट में मतलब इंप्रूव होगा। चलिए, तो आप तो कॉन्फिडेंट है, आउटलुक अच्छा है, ट्रेजेक्टरी यहां से भी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। महेश्वरी साहब धन्यवाद आपका। और ऊपरी सुनों से अब लगातार हम ठंडे पड़ते हुए 10-122 के आसपास आज दिन के आई 10-227 के, तो उन लेवल से तो अब ऑलमोस्ट 27 और 30 ऑलमोस्ट 55 पॉइंट नीचे इस समय अब हम काम काज करें, तो ऊपर से ठंडे। फिर देखते हैं सेकेंड हाफ में क्या ये और गेंस वाइप आउट होते हुए नजर आएंगे, क्या नर्वसनेस और क्रीपिन होती है वो फेड के आउटकम से पहले आज देर शाम जो आने वाला है, सेकेंड हाफ का एक्शन और आपकी तमाम क्वेरीज को सॉल्व करेंगे इस ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन। नमस्कार।